दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड को क्लीन स्वीप करने के इरादे से भारतीय टीम में बड़े बदलाव को लेकर रोहित शर्मा ने क्या कहा, ये आपको आगे वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने उमरान मलिक को टीम में खिलाने पर क्या संकेत दिए और साथ ही साथ क्या बयान दिया, ये आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले उमरान मलिक, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार में से कौन है बेहतर गेंदबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में हार के बाद सीरीज बराबरी होने के बाद T20 के महासंग्राम में तीन मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से शानदार प्रदर्शन करते हुए हार्दिक पांड्या ने 51 रन की पारी और 4 विकेट लेकर भारतीय टीम को 50 रन से जीत दिलाई। लेकिन दूसरे मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लेकर भारतीय टीम को 49 रनों से जीत दिलाई और 2 मैचों में लगातार जीत दर्ज करते हुए 2-0 से सीरीज में अजेय बढ़त बनाकर जीत हासिल कर ली। लेकिन इस अजेय बढ़त को 3-0 से इंग्लैंड में क्लीन स्वीप करने के लिए भारतीय टीम तैयार है और भारतीय टीम इंग्लैंड को लगातार चौथी सीरीज में हरा चुकी है। और वहीं रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम लगातार 15वीं जीत दर्ज करने के लिए नॉटिंघम के मैदान पर 10 जुलाई को शाम 7 बजे से मुकाबला खेलेगी, जिसके लिए भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत ही बड़ा बयान देते हुए टीम की प्लेइंग 11 पर बदलाव किया, जिसमें रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में बदलाव करते हुए उमरान मलिक को भारतीय टीम में खिलाने का ऐलान किया है और उन्हें तीसरे मुकाबले में खेलने का अवसर मिलेगा। और अपने बयान में कहा है कि भारतीय टीम के लिए मलिक अभी युवा खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से मलिक शानदार गेंदबाजी करके भारतीय टीम को जीत दिलाने का कार्य कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं करता, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी करता है जो भारतीय टीम को अपने दिल और दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा है। और मलिक ने आयरलैंड के खिलाफ जिस तरीके से अपने ऊपर दबाव बनाकर शुरुआत में ही अपनी छाप छोड़ दी और अपनी गति से विरोधी टीम के पसीने छुड़ा दिए और दिखा दिया कि भारतीय टीम किस तरीके का शानदार प्रदर्शन कर सकती है और मलिक को जब मौका मिले तो वो किस तरीके से भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने के लिए भारतीय टीम को जीत भी दिला सकते हैं। और मलिक के पास इस समय ऐसी काबिलियत है जिसका सामना शायद कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गेंदबाज के पास अगर बहुत ही ज्यादा कलाएं होंगी तो बल्लेबाज कभी भी उनके जाल में जरूर फंस जाएगा और यहीं पर गेंदबाज अपनी मजबूती को दिखा देता है। ऐसा ही कुछ मलिक करते हुए दिखाई देते हैं और मलिक को तीसरे मुकाबले में इस वजह से भी खेलने का मौका मिलेगा क्योंकि भारतीय टीम 2 मुकाबले जीतकर बहुत ही ज्यादा मजबूती प्रदान कर चुकी है और अब तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम अब युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहती है, जिससे पता चल सके कि युवा टीम इंग्लैंड के खिलाफ किस तरीके का प्रदर्शन करेगी और भारतीय टीम के लिए किस तरह जीत दर्ज करने का मुकाम हासिल कर पाएगी। और युवा टीम में सबसे ज्यादा निगाहें मलिक पर रहेंगी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से 3 बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हर्षल पटेल की जगह उमरान मलिक को खेलने का मौका मिल सकता है, तो वहीं सूर्य कुमार यादव को उनके बेकार प्रदर्शन के कारण टीम से बाहर निकाल कर दीपक हुड्डा को शामिल करने का फैसला लिया जा सकता है। और इसके अलावा ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक में से किसी एक खिलाड़ी को हटाकर ईशान किशन को टीम में शामिल करने का फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उमरान मलिक को भारतीय टीम में तीसरे T20 मुकाबले में खेलने का मौका मिलना चाहिए या नहीं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।